यूरोप में कुछ लोगों ने एक नया देश बना लिया है। स्लोवेनिया और क्रोएशिया सीमा पर बनाए गए इस देश को किंगडम ऑफ इंक्लावा नाम दिया है। 100 वर्ग मीटर जमीन की टुकड़े पर बनाए गए इस देश में करीब 800 लोग रहते हैं। खास बात तो यह है कि इन्होंने वर्चुअल चुनाव करके मंत्री भी चुन लिया है। ये कारनामा करने वाले शख्स का नाम प्योत्र वार्जेंकी है। हाल ही में प्योत्र और उनके कुछ दोस्तों को स्थानीय लोगों के जरिए पता चला कि स्लोवेनिया के मेटलिका शहर के पास और क्रोएशिया की राजधानी जागरेब से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। 1991 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद 7 राज्य बनाए गए, जिसके चलते कुछ सीमा क्षेत्र को नो मैन्स लैंड घोषित किया गया था। यहाँ पर किसी भी तरह रंग, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता जैसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता और यहाँ कोई भी आकर रह सकता है। इसके अलावा इस देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार भी है। इस छोटे से देश में मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ बिना टैक्स दिए पैसे कमाने जैसी सुविधा भी मौजूद है। देश घोषित होने के साथ साथ इस छोटे से जगह को 5 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, जिसमें चीनी भी शामिल है। संविधान लिखने के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आईडी पेपर्स भी बनाए जा रहे हैं। इतना फेमस होने के कारण इस देश को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।